हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ राधे फ्लूट्स की, जो कि मैंने अमेजोन से मंगवाई हुई है। डी स्केल की फ्लूट पीवीसी की, तो आइए देखते हैं हम। तो ये है अमेजोन से, मैंने आज ही बुलवाई है, आज ही आई है, ये कोविड काल में आई है, तो मैंने इसको सैनिटाइज कर लिया है पहले से ही। और चलिए अब हम इसको ओपन करते हैं। दोस्तों ये है, मैंने इसको ओपन कर लिया है, आप देखते हैं। ये देखिए, इसके अंदर हमारी बांसुरी यानी फ्लूट है। ये देखिए, इस तरफ से भी पैक है और दूसरी तरफ से भी ऐसे ही ये ब्लैक कलर के टेप से पैक है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये देखिए, कुछ पाउच सा है ये पता नहीं ये क्यों दिया है लोगों ने, इसमें तो कुछ भी नहीं आया है। और देखते हैं और क्या है। देखिए इसके अंदर ये भी है, और ये कवर है, वैसे ठीक ठाक कवर है, वेलवेट टाइप का है ये कवर। वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद ब्लैक कलर का आएगा, राधे फ्लूट्स इस पर लिखा हुआ है, लेकिन ठीक है, रेड कलर का भी है, कोई बुराई नहीं है इसमें, अच्छा है, ये हमारी बांसुरी को आगे सेफ रखेगा। तो डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया हुआ था कि ये फ्लूट जो है ये 100 साल तक चलती है, इसमें कोई भी पानी वगैरह का किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, सनलाइट पानी का। तो इसलिए मैंने ये पीवीसी वाली फ्लूट बुलवाई है, ना कि बैम्बू की फ्लूट। बैम्बू की फ्लूट को थोड़ा सा हमें मेंटेन रखना पड़ता है, क्योंकि वो सीज़न के हिसाब से उसकी साउंड चेंज होती है, लेकिन पीवीसी फ्लूट अच्छे से चलती है, तो इसलिए मैंने बुलवाया। आप देखते हैं कैसी है, मैंने तो ऐसा ही पढ़ा था, देखते हैं, मैं रिव्यू करता हूँ इसको। चलिए तो मैं खोलता हूँ इसको। देखिए इस तरफ से इधर टेप लगा है, जो ये देखिए, ये है हमारी अंदर से ये निकली फ्लूट, ये मैंने एक तरफ रख दिया इसको, ये है हमारी फ्लूट, ये देखिए। तो दोस्तों ये है हमारी फ्लूट, ये देखिए, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये फ्लूट है, ये देखिए डी स्केल लिखा हुआ है इस पे, हुई है राधे डी इंडिया लिखा हुआ है, ठीक है, रेड कलर में है। यहाँ पे ये दिया हुआ है ऊपर ब्लो करने के लिए, ताकि हमें अच्छे से ब्लो हो सके। और इसमें जैसे कि इसमें दिया हुआ है अमेजोन में कि किसी भी प्रकार के केमिकल से हमें कोई भी परेशानी नहीं है, भले ये पीवीसी की बनी हुई है, लेकिन 90-100 डिग्री के आसपास यदि गर्म होगी ये, तभी इससे कोई केमिकल रिलीज होगा, तो इतना तो हमें कुछ करना नहीं है, इसको हमें उबालना तो है नहीं पानी में। तो ये देखिए, ये हालांकि थोड़ा सा डिफरेंट कलर दिख रहा है जैसा उसमें दिख रहा था, लेकिन ठीक है, देखने में तो अच्छी दिख रही है। और देखिए इसकी क्वालिटी भी हल्की सी, देखिए उतनी अच्छी नहीं है जितनी अच्छी फोटो में इमेज में दिखी थी। ये देखिए इसमें ये गम टाइप की दिख रही है, जिससे ये चिपकी हुई है, यहाँ से ब्लो करने का है। और ये होल है इधर पहला, ये इधर दूसरा होल है, ये बाकी के ये होल्स हैं जिससे हम बचाएंगे। यहाँ पे 6 होल दिए हैं, 3 यहाँ 3 यहाँ और 1 यहाँ पे साइड में भी होल है। तो वैसे देखने में अच्छी है, वजन में भी ज़्यादा भारी नहीं है, तो वैसे तो सही लग रही है। और कड़क भी है, ये देखिए मैं दबा रहा हूँ तो अंदर नहीं जा रही है, मतलब ये आराम से अच्छे से चल जाएगी ज़्यादा के ज़्यादा समय के लिए। और ये इनने कवर तो दिया ही था इसके लिए, तो हम चाहें तो फ्यूचर में इसमें पैक कर सकते हैं इसको। बड़ा ही अच्छा कवर है, वेलवेट टाइप का है, और आप चाहें तो इसमें भी रख सकते हैं। ये सेफ्टी सेफ रूप से इसके अंदर आई थी, तो अपन को इस बात की टेंशन तो होनी नहीं चाहिए कि ये कुछ डैमेज रहेगी, तो क्योंकि ये अच्छा हार्ड है कार्डबोर्ड ये। तो इसमें देखिए साथ में एक ये चीज़ भी आई है, क्या है देखते हैं, अमेजोन की तरफ से है लगता कुछ, amazon.in इसमें बताया है कि रिव्यू करिए राधे फ्लूट्स को, इसमें मिस्ड कॉल वगैरह दे सकते हैं आप। और ये इसके बारे में कुछ लिखा है, राधे फ्लूट्स पीवीसी फाइबर बांसुरी, ये कितनी लंबी ड्यूरेबल है, वेदर का कोई इफेक्ट नहीं है, जो मैंने अभी बताया था, एक्यूरेसी है, वाटरप्रूफ है, क्वालिटी है, इनहेंस्ड साउंड है, हाफ ओपन, ये सब दिया हुआ है, सारे गामा पाधानी सा, ये कैसे बजाते हैं इसको अपन चाहे तो स्कैन करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है ट्यूटोरियल टाइप का, छोटा सा लेसन सा दिया हुआ है इसमें, ये कैसे कैसे बजा सकते हैं हम, सरगम वगैरह कोई भी गाना कैसे बना सकते हैं। तो ये इसकी वैसे बेसिक लोगों के लिए जो बिल्कुल भी बांसुरी के बारे में कुछ नहीं जानते। वैसे तो मैं आपको बता दूं, मैं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बजा लेता हूं, कॉन्गो, तबला, हारमोनियम, सिंथेसाइजर और ऑक्टोपैड, ड्रम, साइड ड्रम्स और गिटार, बहुत से इंस्ट्रूमेंट बजा लेता हूं। एक बांसुरी मेरे पास पहले से रखी हुई थी, मैंने परचेज की थी ऐसे ही, कोई मतलब बाहर निकला हुआ था, तो मैंने घर के सामने से ही परचेज कर ली थी, कोई निकल रहा था, तो वो उतनी अच्छी बांसुरी नहीं है, इसलिए मैंने ये राधे फ्लूट्स की डी स्केल वाली ये बांसुरी बुलवाई थी ऑनलाइन, जो कि आज ही आई है। तो मैंने सैनिटाइज वगैरह कर लिया है, यदि आप भी बुलवाएं तो बिल्कुल सैनिटाइजेशन का ध्यान रखें, क्योंकि अभी कोरोना महामारी फैली हुई है।
दोस्तों मैंने इस बांसुरी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है कि आप अमेजोन से जाके कहाँ से परचेज कर सकते हैं इसको। ये जस्ट 500 रुपीज़ की ही है और कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगे हैं मुझे, केवल 500 रुपये में ही ये आ गई है। ये वैसे तो मेरे लिए गुड़गांव से आई थी, मतलब अमेजोन तो यही बता रहा था कि गुड़गांव से आ रही है, तो कुछ ही दिनों के अंदर आ गई है, 4-5 दिनों के अंदर। और वैसे भी कोविड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए आई होगी, तो शायद थोड़ा बहुत और भी टाइम लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। बजने पर ये कैसी आवाज़ करती है मैं थोड़ा सा ये चेक कर लेता हूँ। वैसे तो मैं आपको बता दूँ, वो वाली जो पुरानी मैं आपको बता रहा हूँ वो बांसुरी तो मैं बजा लेता था थोड़ा थोड़ा, अभी इसको ट्राई नहीं किया है इस टाइप का। उसका होल यहाँ से बजती थी, वो वहाँ पे इसका पतला सा इसका ओपनिंग रहती थी माउथ के लिए, और वो थोड़ी अलग प्रकार की बांसुरी थी, ये थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। तो ये बांसुरी जो फोटो में है वो उसमें ब्राउन कलर की दिख रही थी, येलो ब्राउन सी। अभी आपको शायद कैमरा में भी थोड़ा सा ये येलो ब्राउन सी दिख रही होगी, लेकिन एक्चुअल में इसका ऐसा कलर नहीं है, ये ग्रे ब्राउन टाइप का कलर है इसमें, जो कि कैमरा में अच्छे से नहीं दिख रहा है। शायद मैंने कोई फिल्टर डाल रखा होगा इस कारण से, जो भी कारण हो। तो ये ग्रे ब्राउन सा कलर है इसका, जैसा उसमें दिखा रहा था वैसा नहीं है, और ये भी एकदम रेड कलर का नहीं है जैसा आपको दिख रहा है, ये रेड ब्राउन सा कलर है ये। तो वैसे बांसुरी तो अच्छी ड्यूरेबल लग रही है मुझे, ये अच्छी लंबे समय तक चल जाएगी। अब मुझे अभी बांसुरी प्ले करके तो नहीं आती है, फिर भी मैं ट्राई करूँगा। दोस्तों मेरी तो हालत ख़राब हो गई इस बांसुरी को बजाते बजाते, शायद इसलिए क्योंकि इस टाइप की प्रोफेशनल बांसुरी मैं पहली बार बजा रहा हूँ। अभी तक मैं जो बांसुरी बजाता था, जो थोड़ा बहुत जिससे कुछ निकालता था, वो इस टाइप की नहीं थी, वो थोड़ी अलग टाइप की थी, इसलिए शायद मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो आप इसमें यह मत समझिएगा कि इस बांसुरी से आवाज़ नहीं आ रही, वो इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैं नहीं बजा पा रहा हूँ। तो अगले वीडियो में हम बांसुरी के ट्यूटोरियल में तब मिलेंगे जब मैं इस बांसुरी को बजाना थोड़ा बहुत सीख जाऊंगा, तभी आपको बता पाऊंगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इसी टाइप के बहुत से वीडियोस और बहुत से म्यूज़िक वीडियोस और कुकिंग वगैरह वीडियोस भी इस चैनल पर आते रहते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।